नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। हमने ये ठाना है क्षेत्र को स्मार्ट बनाना है, सबका साथ सबका विकास, गरीब मजलूम बेसहारा की आवाज मेरी पहली प्राथमिकता। जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 9 बुलंदशहर वीर गतिशील समाजवादी लोकिया और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी फेमिदा खातून वालिदा मोहम्मद सादिक को अपना कीमती वोट देकर विजय बनाए। जन जन की यही पुकार रेशमा परवीन अब की बात, इस बार विकास की बहेगी गंगा। कर्मठ शिक्षित ईमानदार युवा प्रत्याशी रेशमा परवीन पत्नी मशकूर अब्बासी वार्ड नंबर 16 जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवार बसपा प्रत्याशी को अपना कीमती वोट देकर सफल बनाए। कल 19 अप्रैल को होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बिजनौर में पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। पोलिंग पार्टियों में तमाम सरकारी कर्मचारी अन्य विभागों की ड्यूटी में लगाए गए हैं। पोलिंग पार्टी रवानगी के दौरान अपनी अपनी ड्यूटी लेने के लिए जनपद के सरकारी कर्मचारी कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश सरकार ने आज यूपी के 75 जिलों में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया हुआ है, जिसके चलते बिजनौर में भी आज रविवार के दिन संपूर्ण लॉकडाउन लगा हुआ है। कल 19 अप्रैल को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आज जनपद में मतदान बूथों पर ड्यूटी के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। इसरार चौहान ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार गांव आसिफाबाद चंदपुरा गांव में विकास कराना है, गांव को उज्जवल बनाना है, हमारा संकल्प आपका सहयोग। इसरार चौहान को अपना कीमती वोट देकर सफल बनाए। पोलिंग पार्टियों में तमाम सरकारी कर्मचारी अन्य विभागों की ड्यूटी में लगाए गए हैं। पोलिंग पार्टी रवानगी के दौरान अपनी अपनी ड्यूटी लेने के लिए जनपद के सरकारी कर्मचारी कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकारी कर्मचारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, जबकि हाल ही में बिजनौर में 24 घंटे में 116 कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद 871 एक्टिव केस हो गए हैं। इसके बावजूद भी कर्मचारियों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। साथ ही जिले के प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्था की भी पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। बिजनौर से सलमान की रिपोर्ट। जन जन की यही पुकार हसमुद्दीन खान अब की बार। हसमुद्दीन खान जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 5 भाजपा प्रत्याशी निवासी मकरंदपुर पूरनपुर पीलीभीत को अपना कीमती वोट देकर विजयी बनाएं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट व शेयर करें और भारत रफ्तार न्यूज की हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।